तो नेक्स्ट हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी एंड थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइक टू अराइज। यहाँ तीन स्टेप्स में हमें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। पहले एक्सप्लेन करना है रिसेप्टर का फंक्शन, दूसरा वक्त हमें एक्सप्लेन करना है रिसेप्टर कब काम नहीं करते और अगर काम नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या अराइज होता है। ठीक है, या तीन स्टेप से हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, रिसेप्टर। तो पहले व्हाट इज मीन बाय रिसेप्टर, रिसेप्टर मीन्स टू रिसीव द सिग्नल। रिसेप्टर का फंक्शन क्या है? टू रिसीव द सिग्नल, ये सिग्नल को रिसीव करता है। तो रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में ऑल ऑर्गन की तरफ प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर बॉडी, कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी। लेकिन बेस्ट एग्जांपल हम यहां एक्सप्लेन करेंगे, आईज में रिसेप्टर प्रेजेंट है, नोज में रिसेप्टर प्रेजेंट है, ईयर में रिसेप्टर प्रेजेंट है, एज वेल एज टंग, स्किन में। एग्जांपल में देती हूँ, मेरे स्किन पर अगर हॉट वाटर गिरा और कोल्ड, दोनों जो भी अपोजिट है, मे बी हॉट मे बी कोल्ड, ठीक है, हॉट वाटर गिरा तो उसका सेंसेशन मेरी स्किन रिसीव करेगी। हॉट वाटर गिरा तो मुझे लगेगा का वो ठंडा ठंडा पानी है, नहीं, तो वो हॉट वाटर है ये मेरी स्किन इस टाइप का सिग्नल रिसीव करेगी। अगर कोल्ड या बर्फ आपने अपने स्किन पर रख दिया तभी आपको पता चलेगा कि मेरे स्किन पर बर्फ रख दिया है। ठीक है, मीन्स आपकी स्किन को सेंसेशन है वो हॉट है या कोल्ड वाटर है डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नोज का मेन फंक्शन क्या है? स्मेलिंग। ईयर का फंक्शन क्या है? हियरिंग। टंग का फंक्शन क्या है? टेस्टिंग। आईज का फंक्शन क्या है? विजुअलाइजेशन। ठीक है, मैं क्यों देख रही हूँ? क्योंकि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मेरे आईज में प्रेजेंट है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट चौक है या बोर्ड है या फैन है, ये सिग्नल मेरे आईज रिसीव कर रही है। वो फैन है तो मैं उसे बोलूंगी क्या वो बोर्ड है? नहीं, वो इमेज मेरे ब्रेन में तैयार हो रही है इसलिए मुझे पता है कि वो फैन है। ठीक है, मेरी नोज स्वीट स्मेल रिकॉग्नाइज कर सकती है, बिटर टेस्ट भी मेरी नोज रिकॉग्नाइज कर सकती है। ठीक है, मीन्स फ्लावर का स्मेल है या फूड का स्मेल है या फ्रूट का स्मेल है, सभी मेरी नोज रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो ये रिकॉग्निशन किसके थ्रू हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ जाता है? दैट इज ड्यू टू द रिसेप्टर, मीन्स ये स्पेसिफिक सिग्नल स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू रिसीव करता है। तो मेन हमारा रिसेप्टर का फंक्शन क्या है? टू रिसीव द सिग्नल बाय द स्पेसिफिक ऑर्गन। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन? मे बी स्किन, नोज, आईज, टंग एज वेल एज ईयर्स। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताया आपको इस तरह के। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। मेरे रिसेप्टर्स कब काम नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अच्छी तरह से स्मेल नहीं कर रही हूँ, मेरी टंग स्पेसिफिक टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह के स्पेसिफिक सिग्नल में क्यों नहीं रिसीव कर पा रही हूं? ड्यू टू द डैमेजिंग ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स। मेरे ब्रेन की तरफ वो नोज का स्मेलिंग वाला सिग्नल क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मेरे नोज से ब्रेन की तरफ जो भी न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड है वो न्यूरॉन क्या हो गए हैं? अब डैमेज हो गए हैं। तो ड्यू टू द डैमेजिंग ऑफ न्यूरॉन्स रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। व्हाई रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली? ड्यू टू द डैमेजिंग ऑफ न्यूरॉन्स, डैमेजिंग ऑफ न्यूरॉन्स। थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइक टू अराइज। अगर मेरे न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, मेरे रिसेप्टर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं और मुझे अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है प्रॉपरली तो मैं क्या क्या नहीं कर सकती? अगर मेरे आईज के न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए तो मैं प्रॉपर
विजुअलाइजेशन नहीं कर पाऊंगी, मैं प्रॉपरली देख नहीं पाऊंगी। अगर मेरे नोज में से न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए हैं तो मैं स्मेल नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली। मेरे टंग के अगर न्यूरॉन्स डैमेज है तो मैं प्रॉपरली टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे ईयर्स के न्यूरॉन अगर डैमेज है तो मैं प्रॉपर हियरिंग नहीं कर पा रही हूँ। मेरे स्किन के न्यूरॉन अगर डैमेज है तो मुझे स्किन में टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल वाटर हॉट है या कोल्ड है, ये सिग्नल मेरे स्किन की तरफ नहीं आएंगे और मेरी स्किन वो सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जो भी प्रॉपर वर्किंग है वो वर्किंग स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स अराइज हो गए प्रॉपर वर्किंग स्पेसिफिक ऑर्गन की। स्पेसिफिक ऑर्गन क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? टू रिसीव द सिग्नल। कहाँ प्रेजेंट है? ऑल ओवर द बॉडी। रिसेप्टर वर्क नहीं कर रहे, इसका कौन से सिचुएशन में वर्क नहीं करेंगे? डैमेजिंग है अगर न्यूरॉन्स तो अभी रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं। अगर रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू द रिसेप्टर। स्टॉप।